जो सोमा कहा जाता है वो था, वहां जो है एक राहिब रहता था जिसका नाम तारीख में बुहैरा राहिब के नाम से किया जाता है, बहुत बड़ा पादरी। वो चाहे बहुत करे, चाहे कितना भी बड़ा आदमी आ जाए, कभी वो बाहर नहीं आता था। बड़े बड़े लोग आते थे उसके पास, लेकिन कभी वो गिरजा से बाहर नहीं आता था। लेकिन जब ये काफिला वहां करीब में कहीं पड़ाव किया तो फौरन जो है बुहैरा राय अपने जो है गिरजाघर से बाहर आया। बाहर आकर काफिर वालों के पास हटाता हुआ आया और घटाता हुआ आकर सीधा आप इस्लाम के हाथ को पकड़ लिया। 12 साल की उम्र है, आपके हाथ को पकड़ लिया और आपके चेहरे पर गौर से नजर डाला, डालकर कहने लगा इसका सर परस कौन है, इस बच्चे का सर परस कौन है। अबू तालिब ने कहा मैं। फरमाया कौन बच्चा? वह मेरा बेटा। कहा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा दिल बता रहा है ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये यतीम है। फरमाया ठीक कहते हो, ये यतीम है। फरमाया उसने तारीख को जुमला कहा उस राहिब ने, हाजा सैयद العالمین, हाजा रसूल रब العالمین, यबअथु अल्लाह रहमतन लिल आलमीन। फरमाया ये जो है सैयद العالمین है, ये रसूल रब العالمین है, ये अल्लाह ताला इसको नबी बनाकर भेजने वाला है, ये खातम नबी बनकर आने वाला है। हैरान हो गए काफिले वाले, पूछा कैसे तुमने पहचाना? कहा जब ये काफिला आया मैंने देखा ये आपस के जो दर्द है, ये इधर उधर के दर्द जो है, ये इनको सलामी के लिए झुक रहे थे, झुक झुक कर इनको सलामी दे रहे थे, और आसमान में अबर का साया, इस पर साया डालने हुआ आ रहा था, और ऊपर तो धूप पड़ रही थी, लेकिन आसमान का साया इस पर जो है अबर की जगह आ रहा था। मैं समझा ये नबी की सेवा किसी के साथ नहीं हुआ करता। फिर उन्होंने उस राहिब ने नबी से अस्तक और सारे काफिले वालों की दावत की, बड़ा एहतराम के साथ आप इस्लाम के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आया। फिर अबू तालिब से कहा देखो अबू तालिब, इनको लेकर तुम उनके साथ हरगिज मत जाना, वहां वो भी लोग रहा करते हैं, वो इनकी अलामतों को देखकर और इनके अंदर जो अलामतें हैं नबी होने की अलामत, इनके पुष्ट पर मोहर नबूवत है, इनके आंखों में जो सुर्खी है, जो सुर्ख डोरिया है, ये जो है पैदाइशी डोरिया है। पूछा अबू तालिब से ये आंखों में जो बारीक डोरिया है ये अब पैदा हुई या पैदाइशी है? फरमाया पैदाइशी डोर है। फरमाया ये नबी है, ये नबी करने वाले हैं, सैयद العالمین है, रसूल रब्बुल आलमीन है, रहमतुल लिल आलमीन बनकर मबऊस होने वाले हैं, ये वही है जिनका हमारे किताबों में जिक्र है। लिहाजा तुम इनको जो है उनके साथ मत लेकर जाओ, क्योंकि वहां जाएंगे तो वो भी लोग इनको कत्ल कर देंगे, तुम इनको मक्का भेज दो। फौरन अबू तालिब ने अबू अकरी सजन को मक्का भेज दिया, और मक्का भेज देने के बाद सीरत निगारों ने लिखा है हजरत अबू तालिब के इधर उनके साथ चले गए थे, यहाँ मक्के के अंदर एक जंग लड़ी गई, एक जंग जिसे हर के फुजा सीरत लिखने वालों ने और जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री लिखने वालों ने लिखा है। उस वक्त मक्के में हर्ब फुजा, हर्ब कहते हैं अरबी में जंग को, फुजा कहते हैं नाफरमानी, क्योंकि ये जंग जो है ऐसे महीने में लड़ी गई जिस महीने में जंग करना हराम था। रजब का महीना शव्वाल ज़िलहज्जा दिन है, ये 4 महीने में जंग करना हराम था, लिहाजा 3 महीने में जंग चली और ये मुसलसल कई साल तक जंग चली। ये अरबों का जो है ज़माने जाहिलियत का आलम था कि उनमें जब जंग छिड़ जाती तो नसल 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 के होने चला करती थी। तो अरब शुजा ये जंग चली, कई साल तक ये जंग चली, उस जंग और ये जंग कबीले कुरैश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान और कबीले कैस दो खानदानों में जंग चली, और इस जंग में एक मर्तबा कबीले कैस अबू कुरैश पर गालिब आया और एक मर्तबा कुरैश कबीले कैस पर गालिब आया। इस जंग में सारे खानदान कुरैश के लोग शरीक थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनके चचाओं ने, चचादार भाइयों ने बहुत जो है इसरार के साथ जंग में शरीक होने को कहा, आप भी जंग में
का जो है कोई उसका जो है बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार वो मजबूर होकर एक दिन मक्के की पहाड़ी पर जब नबी को गए, वहां उसने चढ़कर आखिरी वक्त में, रात के आखिरी वक्त में जबकि लोग अभी नींद से जाग रहे थे, वैसे वक्त में खड़े होकर लोगों को जोर जोर से आवाज दी, लोगों मैं मजबूर हूँ, जरा मेरी मदद करो, मैं वो आदमी हूँ, मेरा सारा सामान, मेरा सारा पूंजी सरमाया मेरे मक्के में है और मेरे अहल यार बाहर पड़े हुए हैं, मैं मजलूम हूँ, मेरा मेरी मदद करो। तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब वो जो है उसकी मदद के लिए खड़े हुए और सारे मक्के के सरदारों को जमा किया। अब्दुल्लाह बिन जदआन जो हजरत आयशा के चचा के बेटे थे वो बड़े जो है सखी किरदार के आते थे, बहुत ही मेहमान को खिलाने वाले, उनके घर में मीटिंग हुई, बड़े बड़े सरदार जमा हुए, उस मीटिंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शामिल किया गया। वो वहां जो है अलसुल फुजूल के नाम से वहां हलफ दिया गया, कसम उठाया गया, आइंदा कोई भी जो बाहर का ताजिर आएगा कोई उसके साथ जुल्म का मामला नहीं करेगा, कोई उसके साथ ज्यादती का मामला नहीं करेगा, अगर कोई किसी पर जुल्म करेगा उसके साथ जो है हम बदला लेंगे और मजलूम का साथ देंगे। यहाँ मीटिंग हुई थी तो वहां भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए। तो आप अलैहिस्सलाम के उम्र मुबारक जब 24 साल की हुई, आप मक्के के अंदर बहुत मशहूर हो चुके थे, आपका अखलाक, आपका किरदार, आपके अमाल जो है लोगों को बहुत पसंद आ गया था, मक्के का हर छोटा बड़ा आपको मोहब्बत से प्यार से मोहम्मद अमीन कहकर पुकारा करता था, सब आप पर फिदा होते थे। वही उस वक्त में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला को भी इत्तला मिली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहम्मद अब्दुल्लाह के बेटे हैं ये बड़े अमीन हैं, अमानतदार हैं, तो उनको जो है अपने गुलाम मैसरा, उनका हजरत खदीजा का गुलाम था मैसरा। और याद रखिए हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी बनी थी, ये मक्के के बहुत बड़ी ईमानदार औरत, सीरत निगारों ने लिखा है इतनी बड़ी ईमानदार औरत थी, पूरे मक्के में बड़े बड़े ईमानदार जितने ईमानदार थे उनके पास जितना माल था उस अकेला हजरत खदीजा के पास उतना माल होता था, इतनी बड़ी ईमानदार औरत थी। और उनके तिजारत का जो है मरकज उनके साथ होता था, यहाँ से माल जाता था, सैकड़ों ऊंटों में माल जाता था, माल वहां से आया करता था। उन्होंने हुजूर को बुलाया और कहा तुम मेरा सामान लेकर मुल्क शाम जाओ, बेच कर आओ, तुम्हें जो है मैं औरों को जितना नफा देती हूँ उसका दुगना नफा तुम्हें दूंगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा का गुलाम मैसरा को साथ लेकर मुल्क शाम जाते हैं, जाकर वहां जो है आप तिजारत करते हैं, वहां जो प्रॉफिट मिलता है, नफा मिलता है वो लाकर खदीजा के हवाले करते हैं। तो इस मरतबा मामूल से ज्यादा जो है नफा मिला था, हजरत खदीजा बहुत खुश हो जाते हैं। फिर गुलाम मैसरा जो था उसने सारे रास्ते में आपके अखलाक को देखे, आपके आदाब को देखा, और वहां भी जो है एक राहिब मुल्क शाम के अंदर भी एक राहिब मिला, नस्तूरा राहिब। राहिब कहते हैं ईसाइयों का जो बहुत बड़ा पादरी होता है जो हमेशा गिरजा में रहता है, उसे उसने वहां जो है आप अलैहिस्सलाम को देखा और कहा ये नबी बनने वाले हैं, वहां उसने बशारत दी कि नबी बनेंगे तो इनकी हिफाजत करो। तो अपना गुलाम मैसरा जो है आकर पूरा खदीजा को हजरत हाल सुना दिया कि मैंने सारे रास्ते में आपके अखलाक को मुआयना किया, आपके आदाब को मुलाहजा किया, ये सारी बातें आपको सुना दी। तो हजरत खदीजा के दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ जाती है। और हजरत खदीजा वो है कि हजरत खदीजा की शादी इससे पहले दो लोगों से हो चुकी थी, हजरत खदीजा दो शोहरों से बेवा थी। पहला शोहर निकाह हुआ था उनका भी इंतकाल हुआ, दूसरे शोहर का निकाह हुआ उनका भी इंतकाल हो चुका, और एक बेटा था हजरत खदीजा का। और मक्के के बड़े बड़े लोगों ने हजरत खदीजा के पास पैगाम भेजा कि हम तुमसे निकाह करना चाहते हैं, लेकिन हजरत खदीजा ने किसी का कबूल नहीं किया। आखिरकार खुद हजरत खदीजा ने हजरत अबू तालिब के पास पैगाम भेजा कि मैं तुम्हारे भतीजे अब्दुल मोहम्मद के साथ निकाह करना चाहती हूँ। याद रखिए उस वक्त हजरत खदीजा की उम्र 40 साल अधेड़ उम्र की औरत है, 40 साल, और आप सल्लल्लाहु अलैहि की उम्र 25 साल, आई जवानी, कहाँ है दुश्मनान दीन। आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि के साथ तरह तरह के गुस्ताखाना कलिमात कहते हैं, अल्फाज निकालते हैं, नऊज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह, तुम्हारे नबी शहवत परस्त थे कि आपने 11 बीवियों से निकाह किया। याद रखिए एक नौजवान जिसकी उम्र 25 साल हो 40 साल की उम्र वाली औरत से क्या आज कोई निकाह कर सकता।
बात सही हो जाए कि शाहब परते कोई दिन का हरकत तैयार नहीं होगा, तो आप इस्लाम और सलाम को पैगाम मिलता है, आप भी तैयार हो जाते हैं, अब वो तारीख जो है आपका निकाह पढ़ाते हैं, सारे सरदार मक्का जमा होते हैं, वहां जो है आपका निकाह पढ़ा जाता है, उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक वहां निकाह पढ़ा पढ़ा गया, और जो है हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ जाती है, हालांकि एक बेटा पहले से मौजूद है, आपके निकाह में आ जाती है, फिर अल्लाह तआला ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला के बदन से चार बेटियां और एक रिवायत के मुताबिक दो बेटा, एक रिवायत के मुताबिक तीन बेटा हजरत खदीजा के बदन से पैदा होते हैं, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और बेटों में तैयब, ताहिर, कासिम, बाकी बातों में तैयब अब्दुल्ला धो भी आता है, तीन मिनट एक बचपन ही इंतकाल हो जाते हैं, चार बेटियां रहती हैं, बाद में चार बेटियों का निकाह आप करके देते हैं, तो चार बेटियां, और फिर जब तक हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जिंदा रही, जिंदा रही आपने दूसरा निकाह नहीं फरमाया, फिर 52 साल की उम्र में, 50 और 2 साल की उम्र में जब हजरत खदीजा का निकाह इंतकाल हो जाता है, 27 साल आपके निकाह में रही, 27 साल हजरत खदीजा आपके निकाह में रही, और 52 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक 50 और 2 साल होती है हजरत खदीजा का इंतकाल हो जाता है, उसके बाद आपने जो है अल्लाह के हुक्म से निकाह आपने फरमाए, कई बीवियों से निकाह फरमाए, तो अल्लाह के हुक्म से आपने फरमाए, जब तक खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जिंदा रही आपने कभी दूसरा नहीं निकाह नहीं किया, उसके बाद अल्लाह के हुक्म से आपने बकिया निकाह फरमाए, और ये निकाह का मकसद भी यह था कि जो है इस्लाम कबीलों में फैले, ताकि दूसरे कबीले वालों को जब मालूम हो कि वक्त का नबी जो हमारे खानदान से निकाह किया है तो कबीले के लोगों पर अच्छा असर पड़ेगा, तो इस वजह से आप इस्लाम अस्लाम है इस्लाम को फैलाने के खातिर आपने जो है निकाह फरमाए, तो जब तक हजरत खदीजा रही आपने निकाह नहीं फरमाया, फिर जो है हजरत खदीजा ने अपना सारा माल जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खर्च कर दिया, सारा माल उठा दिया, आप जहां मर्दी हो आप खर्च करें, इसी तरह आप हजरत सलाम जो है जिंदगी गुजार रहे थे, जब आपकी उम्र मुबारक 40 साल को पहुंचती है, 40 साल की उम्र को पहुंचती है, उस वक्त अल्लाह तआला याद रखिए दुनिया में जितने अंबिया अलैहिस्सलाम आए तमाम को जो है 40 साल की उम्र में नबूवत दी गई, नबी बनाया गया, इसी तरह आप अलैहिस्सलाम के सामने पेश आया, और आपके जो है नबूवत की तरह कैसे हुई, किस तरह हुई, इंशाल्लाह इसका जो है अगली जुमा बयान बताऊंगा, अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक के सज्जन की विरादत लुत्फ है, आपके अंदाज आपका किरदार बचपन में आपके जो